जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ सभी काजमी साहब के घर। ये सारी दुनिया का इंटरव्यू करते हैं, आज इन्होंने हमें मौका दिया तो आज मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले कुछ वो बातें हैं जो आप इनके बारे में नहीं जानते, इनकी लाइफ के बारे में, और फिर इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स पे जो हो रहा है उस पर भी नज़र हम डालेंगे, और इमरान खान साहब के बारे में पूछेंगे। सभी काजमी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, और आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक, शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना, बड़ी मेहरबानी आप। सभी काजमी साहब, आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं हमें, आप ईद किस तरह गुजारते हैं यहाँ पर, और आपका कैसा सब ये सिस्टम चल रहा है, फिर वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्वेश्चन को आगे लेके। नहीं, आप तो ऐसे पूछ रहे थे, मैं शाहरुख खान हूँ। आप कैसे गुजारते हैं सोशल मीडिया? नहीं नहीं, शाहरुख खान तो हर नहीं, देखें ईद तो उसी तरह गुजरती है जिस तरह आपकी गुजरती है आमतौर पर। वही सुबह नमाज, जिस तरह ईद का मौका है आपको पता है, नमाज पढ़ने के बाद अब वो जाहिर है अब वो उम्र तो रही नहीं कि जब वो आपको ईदी मिलती थी या वो ईद हुआ करती थी, वो तो मामला नहीं। फिर इन हालात में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से हम मैच्योर हुए, क्योंकि अल्लाह ने कुछ शऊर दिया ना, शऊर भी मैं आपको बताऊँ, एक अगर आपको मिल जाए ना तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगा, वो बाले जान बन जाती है। और फिर जो हालात हैं फ़लस्तीन के, ख़ास तौर पर गज़ा के हालात, अभी मस्जिद में भी आप यकीन करें वहाँ लोगों को देखा, बहुत सारे मुसलमान लोग परेशान थे। सोच तो हर एक बंदे की बैक ऑफ द हेड तो ही चल रही होती है कि क्या हो रहा है वहाँ। तो ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कहाँ दिल करता है खुशियाँ। फिर पाकिस्तान के जो हालात पिछले 2 साल से हैं, तो अब वो ईद मनाने का मज़ा जो वो ख़त्म हो गया है, कि वो ईद की खुशियाँ हैं कि हम खुश खुश आएँ, वो मामला नहीं है। अब एक मजहबी त्यौहार है, अल्लाह का हुक्म है, खुशी का दिन है, अल्लाह ने कहा खुश हो जाओ, इसीलिए उसको मनाया जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके बाद जो दोस्त अहबाब से मुलाकातें हुई, कुछ खाने का वक्त होता है, खाना आ जाता है, कुछ उनकी मेहरबानी है, कुछ थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं कभी ईद की वजह से, तो खाना वगैरह खा के दोस्तों से मिला, 2-3 जगह फंक्शन थे उन्होंने बुलाया हुआ था, उनकी भी बड़ी मेहरबानी है कि वो इज़्ज़त बख्शते हैं, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे, तो वो बस उधर 2-4 जगह उधर गया हुआ था बस। उसके बाद फिर ईद का वक्त गुजरता है, फिर अब आप आ गए, अब आपने पता नहीं कितना टाइम लेना है। सभी भाई, दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? यार दिन में वीलॉग आते हैं, नहीं सही आपका, दिन में मेरे तकरीबन 16 घंटे काम हो जाता है, मैं शुरू करता हूँ तकरीबन 16-17 घंटे मेरा काम होता है, क्योंकि देखिए इस काम में जो सबसे बड़ी बात है रिसर्च बड़ी है। आप जब तक जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं होता, खबर की तहकीक करना, ढूंढना, लोगों से फ़ोन पे सारा दिन, आपको पता है अमरीका से लेके बरतानिया तक, बरतानिया से लेके हर जगह मतलब हर वक्त फ़ोन पे। दूसरा अखबार 13-14 मुख्तलिफ, मैं इसराइल से लेके हिंदुस्तान तक जो वो तमाम अखबार कोशिश करता हूँ सुबह उठते साथ पढ़ूँ, और मेरी कोशिश होती है कि हर खबर जो है वो पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई चीज़ मेरी नज़र से ना रह ना जाए, तो वो बहरहाल फिर भी रह जाती है, फिर भी शाम को पता चलता है ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया, लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए, जितना पढ़ ले जाए, और कोई खबर जो जहाँ तक उसकी तहकीक जितनी हो जाए, बाकी गलतियाँ आपको पता है उसमें होती हैं, इसलिए ज़्यादा पढ़ने से बस का नुकसान भी हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। अक्सर आपने देखा होगा मैं बोलते 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 वो पटली से उतर जाता हूँ। और मैं पूछूंगा आपसे सभी भाई, 16-17 घंटे काम करके फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती? अब माशाल्लाह शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं ये सारा? ये मैं असल में शुरू से ही मेहनत इसी रूटीन ही यही थी, आपको पता है ज़्यादातर जो कोशिश यही थी। जितने भी लोग आप देख रहे, पढ़ाइयाँ भी पहले हम लोगों ने ये इसी तरह की हैं, जो 3-3, 4-4 मास्टर डिग्रियाँ करें, आप पढ़ाई करें तो उसमें यही होता है। मैंने तो शादी के बाद भी आपको पता है 2-3 मास्टर्स किए, कोविड में भी मैंने जर्नलिज्म का जो मास्टर्स किया था कोविड में किया, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी करनी कि आपको मैनेज करना। बाकी फैमिली मैनेज करना ही होता है कि मैं बच्चों को होमवर्क करवाता हूँ साथ, उनकी मैं सारी चीज़ें चेक करता हूँ, और उसके साथ जो एक्सरसाइज की रूटीन मेरी लाजमी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो एक्सरसाइज के बारे में मैंने पूछना था, आप मतलब कौन सी गेम करते हैं? बॉक्सिंग मैंने मुझे पता चला जी, बॉक्सिंग जी, मैं क्रिकेट तो खेला हूँ अंडर 16 अंडर 19, यहाँ भी मतलब जो अच्छे ऑस्ट्रेलिया के जो अच्छे टॉप के 3-4 क्लब्स हैं उनकी तरफ से 10-12 साल वहाँ भी खेला हूँ, और उसके बाद जो है बॉक्सिंग जो है वो मेरा पैशन है, जुनून है, जिसे आप कह लेना जुनून की हद तक मेरा शौक जो है वो बॉक्सिंग है। मैं अपने फारिग वक्त में बॉक्सिंग की वीडियोस देखता रहता हूँ, टेक्निक पे काम करता रहता हूँ और मेहनत करता हूँ उस पर ज़्यादा। बॉक्सिंग के लिए मैं जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेता हूँ, और बड़ा मुश्किल काम है आपको पता है, उसमें मतलब हर्ट होता है, मतलब लगती है, चोट लगती है आपको, ये आसान नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको हफ्ते में 3 दिन जो है वो ज़रूर सेशन जो है प्रॉपर सेशन, स्पारिंग सेशन जिसमें मैं लड़ाई शड़ाई करूं, तो इसीलिए अक्सर कहा तो अक्सर लोग कह रहे थे दायां गाल सूजा हुआ था, आँख थोड़ी टेढ़ी हुई थी, तो या कभी वो चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं, तो उस वजह से भी होती हैं। पिछले दिनों मेरी पसलियों में लगी है चोट बड़ी ठीक ठाक किस्म की, तो मैं बोलते हुए तकलीफ बड़ी हो रही थी, अभी भी बल्कि मैं हंसता हूँ तो वो मुझे दर्द होता है, तो ये चीज़ें मतलब चीज़ें, लेकिन बॉक्सिंग मेरा पैशन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं। सभी भाई,
एज क्या है आपकी? अब ये तो एज क्या है, एज में क्या, उम्र में क्या रखा है? 46 साल उम्र है मेरी। 46 है, तो मतलब मैं बड़ा जबरदस्त अभी तो आप मतलब यंग है। नहीं, बाल काले किए हैं, मैं छोड़ दूं तो इमरान रियाज और मैं, इमरान रियाज की और मेरी या जो मेरे साथ जितने भी बाकी सारे लोग तकरीबन हम लोग हम उम्र ही होंगे सारे। इमरान रियाज हो गए, असन निसार हो गए वो तो बहुत सीनियर है, मजाक लेकिन तकरीबन यही सेम उम्र है हम सब लोगों की तकरीबन, बल्कि कुछ लोग तो मेरे से छोटे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, आप हैरान हो गए साहबजादा हामिद साहब से मेरी बातचीत हो रही है, बताया कि उनकी उम्र वो मेरे से छोटे हैं, अली मीन गंडापुर मेरे से छोटे हैं, शेख वकास मेरे से छोटे, ये सारे जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन जो जिनको आप सीनियर समझते हैं वो मेरे से उम्र में छोटे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं भी उनकी उम्र सुन के मुझे महसूस हुआ कि यार अब मुझे शायद अपनी शायद दाढ़ी जोड़ी सारे काले करने छोड़ देने चाहिए। तो बहर जबरदस्त नहीं, बड़ा आपने अपने आपने अपने आप को मेंटेन रखा। नहीं, अल्लाह की तरफ से बस। आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे आ जाते हैं क्वेश्चन। सभी भाई ये बताएं कि मैं अभी सारा नोट करके लाया था, शेर अफजल साहब ये नजर नहीं आ रहे आजकल, इनका क्या आपको नजर आ रहा है? पार्टी ने निकाल दिया उन्हें, मतलब निकाल इस तरह दिया है, कोर कमेटी से फारिग कर दिया है, उसके अलावा जो पॉलिटिकल कमेटी थी उसमें से फारिग कर दिया है। अब उनके पास YMNA के अलावा कोई सीट, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब आपसे जिम्मेदारी ले ले तो उन्होंने क्या करना है आगे? उसके अलावा उनके पास क्या था? यही था पार्टी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसीलिए वो नहीं है, वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं। आपको पता है वो कुछ लोग होते हैं कि आपको पता है चिपके रहते हैं साथ, अंदरून खाना सुलह करने की कोशिश करते हैं पार्टी में दोबारा आने इन होने के लिए, लेकिन वो शायद इस तरह का नहीं है उसका माइंड। उन्होंने कहा उसको, उसके मुताबिक शेर अफजल के उसे बेतकीर किया गया, उसने छोड़ के साइड पे हो गया। उसने कहा जब तक इमरान खान मुझे खुद नहीं बुलाते मैं नहीं आता। अब इमरान खान भी नहीं बुलाएंगे, ये भी आपको पता है खान की भी आदत है, खान तो नहीं किसी को इस तरह का मामला। अब जब तक वो मामला ठीक नहीं होते, क्योंकि इमरान खान जेल में है, उन्हें सारी पिक्चर तो ज़ाहिर नज़र नहीं आती, तो खबरें तो उनके पास सारी आती लेकिन एक फिल्टर होके आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान को नहीं पता चलती कि बाहर क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है। तो उसमें पार्टी के लोग जो है वो आपस में इनकी एक दूसरे की चपकले, आपको पता है एक ह्यूमन नेचर है, ये हर पार्टी में है, हर पार्टी के अंदर टांगे खींचना ये तो आपको पता है एक रवायत है हमारी। तो उसके साथ भी यही हुआ, उसकी पार्टी में प्रॉब्लम्स थी, मसाइल थे, जेलसी थी, फिर जो बैरून मुल्क कुछ लोगों ने एक एजेंडा बनाया हुआ था वो अब एजेंडा हो सकता है उनकी नासमझी हो सकता है उनका कोई अपना एजेंडा हो। अब इसमें मुझे नहीं पता कि अल्लाह जाने, मैं नहीं कहता कि वो गद्दार हैं या उन्होंने कोई दो नंबरी की है, हो सकता है वो अपने, कुछ लोगों के पास कॉन्टेंट नहीं होता तो कॉन्टेंट बनाने के लिए खबर बना देते हैं, 10 दफ़ा उन्हें फीड की जाती है, 6-7 दफ़ा खबरें दी जाती हैं, उसके बाद खबरें अचानक आनी बंद हो जाती है, अब उन्हें समझ नहीं आती खबर क्या बनाए, तो वो फिर खबरें ऐसी बनाना शुरू करते हैं जी वो गदार है जी, वो ये गदार है जी, वो अपने जेन में जो उनके आइडियाज चल रहे होते हैं, जो सासी थ्योरियाँ पनप रही होती हैं, वो उसे लोगों के सामने रख देते हैं और वो बाज़ को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती हैं। मिसाल के तौर पर शेर अफजल मरवत मिलने गया था ख्वाजा आसिफ से, उसकी मुलाकात हुई, अब वो उधर से निकल के आया, इधर से जियो का सहाफ़ी पहुँच गया, लोगों ने कहा लो जी ख्वाजा आसिफ से मिल के आया बाजी गेम पर, वो तो लोग आपको बताते हैं वो इधर एक सर्कमस्टेंशियल, वो एक रॉन्ग टाइम है, रॉन्ग प्लेस है, रॉन्ग टाइम हो गया। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत की अभी वो ओन चौधरी के बेटे के साथ तस्वीर आई है, तो अब हाँ वो बड़ा वायरल हुआ जी। अब ओन चौधरी ने जो काम इमरान खान के साथ किया वो इंतहाई हकारत और नफरत आमेज काम है, वो इंसान कोई भी सोच नहीं सकता किसी के घर के बारे में। इद्दत के केस में जो ओन चौधरी का किरदार है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं बस इन्हें अल्लाह ही पूछे, वो मैं उस जाते ही नहीं उसमें मामले में, इतना वो घिनौना और गंदा किरदार। अब लेकिन मामला ये उसका बच्चा है, अब बच्चे का कसूर नहीं, बच्चे सबके सांझे है, मैं खुद उसकी जगह हूँ, मुझे अगर उसका बच्चा आगे कहे, अभी आपने देखा बहुत सारे लोग, मैं मस्जिद में गया बहुत सारे लोग फोटो खिंचाने की, अब हम लोग सेलिब्रिटी तो है नहीं, ना ही कुछ ऐसे कि जी मैं को जी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचा सकता, मैं मतलब मैं क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ, तो खैर वो बंदा उस तरह हो सकता है, उसको फोटो खिंचाने की ख्वाहिश, उसने कहा जी मेरे बेटे की फोटो खिंचाने की ख्वाहिश है। अब ये लोगों को यहाँ सोचना चाहिए कि शेर अफजल मरवत को जितनी इज्जत मिली है इमरान खान के नाम पे मिली है, तो अगर वो बच्चा अगर कर रहा है शेर अफजल की तो वो खान की कर रहा है असल में, तो आप सोर्स को ना देखे इसके पीछे देखे, तो वो खान की इज्जत, शेर अफजल खुद भी कहते हैं ना खान की वजह से, तो वो बच्चा अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि खान के, अब वो बाप क्या काम कर रहा है, बाप की वजह से बेटे को, या बेटे की वजह से बाप को, हम कभी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, ये तो असूर ही नहीं दुनिया का। खैर तो वो उसका एक कॉन्ट्रोवर्सी वो बन गई, फिर उसकी एक कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ वो बशर उकमान से मुलाकात में बन गई, अब लोग भूल जाते हैं वो वकील रहा है 10 साल से, तो उसका बड़ा तल्लुकात है। अब मैं खैर उसको डिफेंड नहीं करना चाहता, वो शेर अफजल अपने मामलात को डील कर सकता है जो भी वो बेहतर समझने कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है वो इमरान खान के कॉज को, इत्तेजाज को पहुंचाया, बहुत बुरी तरह पहुंचाया है। आज देख लें, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जब से उसका मामला ख़त्म हुआ कितने इत्तेजाज हुए, उससे पहले आपको नजर आते थे ना, कसूर में नजर आया, वो कराची गया, वहाँ रैलियाँ नजर आई, वो खैबर पख्तूनख्वा में निकालता रहा, वो पंजाब में कसूर तक निकाल गया, समझे,
लेकिन इन लोगों ने वो बड़े तरीके से एक साइड लाइन किया और वो मामला बिल्कुल खत्म। आप देखे वो सिमाबिया तायर कल निकली, उसके बाद आपको बंदा नजर नहीं आता कोई। वो भी बाहर आ गई। तो ये बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में जाने अनजाने में लोगों ने तबाही फेर दी है। खान के काज को नुकसान दिया उन्होंने बहुत बड़ा, एहतजाज को, इमरान खान के काज को, तहरीक इंसाफ को। बाकी शेर अफजल को भी कोई फर्क नहीं पड़ना, जिन्होंने किया उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है तो खान को पड़ना है ना, जेल में तो वो बैठा हुआ गर्मी में। ये लोग तो छुट्टियां मनाने गए, कोई मरी गया हुआ है, कोई दुबई गया हुआ है, कोई वो सवाद बैठा हुआ है, कोई अपने खानदान के साथ अपने बच्चों के साथ ईदे मना रहे हैं, बैठा हुआ तो खान जेल में। तो नुकसान किसका हुआ? खान को हुआ। मैं इसीलिए शेर अफजल मरवत की जब बात करता था, मैं शेर अफजल मरवत की बात नहीं करता था, मैं इमरान खान की, मुझे पता था कि इसे हटाने से इमरान खान का नुकसान होगा। इन लोगों ने कहा इमरान खान को रिप्लेस कर लेगा, इमरान खान को कौन रिप्लेस कर सकता है? आप सोच भी सकते हैं, इमरान खान को सिर्फ इमरान खान रिप्लेस कर सकता है और कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। तो इमरान खान ने किया, तो ये इन्होंने वैसे जी इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया जी। अब चौधरी परवेज लाई बार है, उसने मुलाकातें शुरू की हैं, उस पर भी बात हो जाएगी, देखिए चौधरी परवेज लाई लॉन्च किया जा रहा है। तो एक साजिश असल में, लेकिन लोगों का भी कसूर नहीं है, इतने धोखे खाए ना आवाम ने, ऐसे ऐसे लोग बदले हैं, असद उमर वो 48-50 बदले, तो लोग धोखे खा के अब बस अब उन्हें बेचारों को यकीन ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात है सभी भाई। माशाल्लाह की खबरें भी सुनने में आ रही है, ये कहां तक बात आपको ठीक लग रही है कि कुछ इस तरह का होने जा रहा है, या अभी आपको लगता है कि ये सिर्फ खबरें ही हैं, जैसे सोशल मीडिया पे सम टाइम आ जाती हैं ऐसी खबरें, तो आपको क्या लगता है? देखिए माशाल्लाह क्या होता है, माशाल्लाह यही होता है ना, जो भी लगा हुआ है ये माशाल्लाह ही तो, ऐसे और माशाल्लाह क्या होना है, मतलब खुल के सामने अगर आ जाती है। नहीं, खुल के सामने नहीं आ सकते, कोई भी हाइब्रिड सिस्टम ही चलता है, और खुल के सामने आने में नुकसान होते हैं, और एक तो उसमें आपको पता है खजाने में पैसे भी हों, आपके पास कोई जंग लगी हो बाहर, कोई बाहर से आपकी मदद हो, जब आपको पता हो कि यहाँ से, जैसे मुशर्रफ साहब आए थे, आपको पता है उनके उस वक्त बस दहशतगर्दी की जंग लगी हुई थी, उससे पहले पीछे अगर चले जाए जियाउल हक के दौर में सोवियत यूनियन की थी, उससे पहले चले जाए तो वियतनाम की थी अयूब खान की, तो मतलब कोई ना कोई उनके पास था जहाँ से माल आ रहा था, काम चल रहा था। अभी तक कुछ है ही नहीं है, आगे खाई पीछे पीटीआई, तो मतलब किधर मार्शल आला मामला, अब नहीं उन्हें जरूरत भी नहीं है, बगैर उसके इनका काम चल रहा है। शबाशी वगैरह क्या औकात है ये आपके ख्याल में, उन्हें के उठ के बैठ के निकालो तो वो निकालनी शुरू कर देंगे, उन्हें दे मार्शाला लगाने का क्या, मार्शाला ही समझे इसको। अच्छा सभी भाई, ये भी अब मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू के बारे में पता चला था आप लेने जा रहे हैं, पर क्यों नहीं गए फिर? ये आपको किसने बताया? अच्छा मैंने ही बताया होगा वरना आपको, ये मेरे अलावा तीन चार बार ये कि नहीं मेरी, देखिए हमारा काम ही इंट्रोड्यूस करना, मलिक रियाज हो गए या और बहुत सारे लोग हो गए, हमारा काम ही होता है कि लोगों से उनकी इन्फॉर्मेशन लेके वो लोगों के सामने रखनी होती है ना इन्फॉर्मेशन, तो वो बार इसी नहीं होगा। टिकट बड़ा महंगा है दुबई का, आपको पता है वो $2,000 का टिकट है, वो कहाँ लगा के एक इंटरव्यू के लिए बता जाए, और फिर वो भी आगे पता नहीं आगे मिले एंड टाइम पे वो कल्टी मार जाए, आपको पता नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोग रिलायबल नहीं है, जितने भी आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ये जो जितने भी लोग हैं, इवन वकला भी हैं सारे, ये रिलायबल नहीं है, इनको टाइम की ना, मुझे बड़ी सख्त जो सुन भी रहे होंगे मेरी बात, कि इन लोगों को टाइम की पाबंदी का ख्याल नहीं है। अगर 8 बजे का टाइम होता है तो 8 का मतलब 8 होता है, 8:10 होता है, वो इनके तो 8 का मतलब है 9:30 स्टार्ट होता है, तो ये टाइम बड़ा ज़ाया करते हैं इस चीज़ों में। बहुत कम लोग ऐसे जो टाइम देके एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं या कमिटमेंट पूरी करते हैं, ये अक्सर औकात मेरी टीम को भी बड़ा तंग करते हैं बेचारे ना, वो भी बड़े तंग होते हैं जी, फलां बंदे ने टाइम दिया वो गायब हो गया, वो फिर दूसरा नहीं मिला, तीसरा, मतलब ये इस चीज़ों में बड़ी, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करता। मुझे तो जब तक वो आगे कह रहा है आप ऑनलाइन पे आ गए नहीं, तो फिर मैं भी इस वक्त इंटरव्यू शुरू करता हूँ उसके अलावा। जबरदस्त जी, शेख रशीद साहब आजकल बड़े वापसी हुई है, शेख आजकल नहीं कल हुई है थोड़ा, तो उनके कोई क्या चल रहा है सीन, वो बड़े मार्केट में ही है शेख साहब। देखिए शेख साहब पाकिस्तान के वो सियासतदान है जिन्हें अगर आप सियासत से माइनस करें ना, फिर मजे ही नहीं पीछे। शेख रशीद हो गए, ये शेर अफजल हो गए, इस तरह के ना नून लीग में भी कुछ लोग हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में भी है, ये सियासत का मतलब हुसन है, रैम्बो कह लें, लेकिन इनकी वजह से ना सियासत चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, इन्हें एक्टिव रहती है चीज़ें। अब इन लोगों को साइड पे कर देना तो वो फिर आगे, वो अभी तो हम देख रहे हैं मारा मारी देख रहे हैं ना हर जगह, तो वो शेख रशीद को वैसे देखें मैं इस चीज़ पर बड़ा हैरान हूँ, कोशिश हमारी भी इंटरव्यू आजकल में सर बहुत सारी करनी थी बातें, बहर हो सकता है आज या कल में हो भी जाए। शेख साहब का जो मुझे जो चीज़ बड़ी हैरानगुन लगी कि एक तो उनका इंटरव्यू पहले मुनीब के साथ बड़ा प्लांटेड इंटरव्यू, जो उन्होंने खुद उन्होंने बता दिया सारा, अब शेख साहब को ना इजाज़त कैसे दे दी कि आप 20-22 चैनल्स पर खुल के चिले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें, क्रेन पर कैसे बैठाया गया, किस तरह लेके गए, किस तरह, मतलब एक एक चीज़ शेख साहब बता रहे हैं, मतलब और अपने गिले शिकवे भी कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। फिर शेख साहब कुर्बानी, इन्हीं शेख साहब को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे भी, अभी कुछ दिन पहले तक, तो अचानक ये मामला ठीक कैसे हुए, ये थोड़ा सा ना मैं इस पर सोचता हूँ बैक एंड पे नरमी की वजह क्या है।
और अब मैं लेकिन उसमें कॉन्स्पिरसीज भी नहीं पड़ता कि शेख को उन्होंने लॉन्च कर दिया होगा। शेख साहब खुद कहते हैं मेरे सारी जिंदगी से ताल्लुकात रहे हैं, तो वो तो ऐसी बात ही नहीं। तो शेख साहब के लेकिन एकदम जो रवैया थोड़ा बदला है ना, इससे मुझे लगा है कि कुछ मामलात में कुछ तब्दीली आई है। फिर शेख रशीद ने जो 30 अगस्त की तारीख भी देनी शुरू कर दी है ना, और वो भी थोड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इमरान खान ने भी सितंबर की तारीख दी हुई है, याद रखे। फिर अभी ये जो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जी का जाना ठहर गया, आज जाए या कल जाए वो वक्त थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 महीने ऊपर 2 महीने उससे पहले ही हो जाए। तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर ही सारा सीज़न है इसमें। तो शेख साहब ने भी 30 अगस्त की तारीख दी है, 15 अगस्त भी है, 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को भी एक मामला है। फिर मामला जो है वो चेंज होंगे, उसमें मुझे लगता है कि शेख साहब की एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ और मैं जो व्यूज़ लोगों के देखता हूँ उसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा सुनने को मिलता है डिबेट्स में, वो ये है सभी भाई के पीटीआई की जो लीडरशिप है मौजूदा वो सामने क्यों नहीं है। पंजाब की तो चले समझ आती है, केपीके से बड़ी उम्मीदें हैं दुनिया को, केपीके की गवर्नमेंट जो है वो कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी कि एक्शन, पीपल वॉन्ट्स एक्शन नाउ। लोगों के लिए करते हुए या मतलब पीटीआई के लिए कुछ करते हुए, यानी कि इमरान खान को मेन कॉज है। अच्छा, इमरान खान एहतजाज ये बात दुरुस्त है आपकी किसी हद तक। तहरीके इंसाफ के पास वहाँ मैंने कल बात भी की, 3/4 मैंडेट है। आप खैबर पख्तूनख्वा जो लोग अभी विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो बता रहे थे मुझे ना कोई तस्वीर इमरान खान की, ना कोई बैनर नजर आता है, ना कोई चौकिंग नजर आती है। हालांकि वो सुबह इमरान खान का 9 साल से है, याद रखें इस दफा हुकूमत 3/4 है ना, या 2/3 आ रही थी, इससे पहले भी इनकी हुकूमत रही है, पिछली 2 हुकूमतें पीटीआई की थी। वहाँ जगह जगह इमरान खान के पोस्टर लगे होने चाहिए थे कि, और लोग मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कि ये हुकूमत लगाना शुरू कर दे, लेकिन ये चीज़ समझ से बाहर है कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो क्यों नहीं इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही। उसमें एक दो वजूहत तो ये हो सकती हैं कि वो अपनी खाल बचा रहे हैं हुकूमत चलाने के लिए। आपको पता है जब आपको वजारत आला या वजारत उज़्मा या इस तरह के अहदे मिल जाए ना, तो फिर आपके ऊपर जो है ना वो आप उस हदूद क़यूद के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह आपको शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर तस्वीर भी बनानी पड़ती है, उससे मुलाकातें भी करनी पड़ती हैं, फिर आपको अफ्तारियों पे भी जाना पड़ता है, सिस्टम के साथ आपको फिर चलना पड़ता है, क्योंकि आपको ज़ाहिर उस सिस्टम के अंदर रह के काम करना ना, आप उस सिस्टम से नहीं, मैं नहीं मानता ही नहीं और बैठ जाए पीछे तो काम तो चल ही नहीं सकता। फिर तो उसी सिस्टम के अंदर रह के जब आप करते हैं काम तो फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस सिस्टम से बाहर होकर आप कह रहे थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूँगा, जब अंदर आते हैं आप कहते हैं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप उन चीज़ों को आस्ता आस्ता अडॉप्ट करने शुरू करते हैं। जो आम लोगों को नज़र आता है ये पहले क्या कहते थे आप क्या कह रहे हैं, वहाँ पे मसाइल शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ है, लेकिन एहतजाज का तो देखिए सुन सुन के ना कान पाके हैं, और क़यादत ने सुमन बुकमन वाला काम कर रहे हैं, ना सुनना है ना देखना है, जिस तरह काजी फ़ायज़ ने ना सुनना है ना देखना है, तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने फैसला करना, सुनना है ना देखना है। एक तो देखें वो मैंने शेर भी उस दिन हमाद अज़हर साहब को इंटरव्यू में पढ़ा था कि कुछ उंझ भी रामा औखियाँ सन, कुछ गल च काम का तोक भी सी, कुछ शहर के लोग भी ज्यादा कुछ सानू मारा का शौक। तो मामला यही है कि इस वक्त एक तो इनके साथ आगे जुल्म और सितम नहीं काम करते, जरा सा निकलते हैं वो गर्दन पे हाथ रख लेते हैं एकदम, फिर ऊपर से ये भी कहते हैं बस जान छोड़ दो जी, बस वो इशारा करते हैं खुद ही कहते हैं बस जी सरेंडर। तो अब मामला वो मार मार के इन्होंने लोगों को दो चीज़ें, एक या तो लोग ढीठ हो जाते हैं या लोग इतने खौफजदा हो जाते हैं कि वो इशारा करो तो डर जाते हैं। तो इनके साथ दोनों चीज़ें भी तकरीबन बहन हो चुकी है, अब इतने ज़्यादा ये डर चुके हैं क़यादत की तरफ से कि इन्हें हर वक्त खदशा होता है कि 9 महीना करवा दें, दूसरा 9 महीना हो जाए, तो 9 महीने जा ही नहीं रहा, 9 महीने जड़ों में ऐसा घुस गया वो जज लिए छोड़ता है कि जी कि 9 महीने कोई नहीं है, ये फिर पकड़ के ले जाते हैं 9 महीने, वो कहते हैं 9 महीने कोई नहीं है, फिर 9 महीने है। तो वो लोग तंग पड़े हुए हैं उधर से, एहतजाज का मामला उधर से, इस वजह से मेरे ख्याल में जो है ना। सभी भाई मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं और हकूमती नुमाइंदे भी मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, ये आने वाली क्योंकि जाहिर अभी तो गर्मी बहुत है पाकिस्तान में, तो जो आने वाले था क्योंकि तहरीक इंसाफ ने शुरू तो करना है मदम मस्त कलंदर, अब वही यही तो कब करना है और क्योंकि मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहा है, हकूमती नुमाइंदे भी मिल रहे हैं जाके पंजाब के, मतलब इस कुछ तो हो रहा है, कुछ तो खिचड़ी पा रहे हैं। सिर्फ मौलाना मेरे ख्याल में मौलाना फजल में अपना वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपना रेट बढ़ाने की, वेट और रेट दोनों, आप भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं, वो कह रही पीटीआई के साथ भी सीज फायर है, इसके साथ भी बातचीत है, उसके साथ भी बातचीत है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, मैंडेट भी पीटीआई ने चोरी किया है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ मिलकर बात भी, मतलब मौलाना साहब की जो ना सियासत मुझे अभी शुरू में अगर वो एहतजाज में आकर खड़े हो जाते ना फर्ज के तरीके इंसाफ के साथ तो नजर आता बहुत बड़ी ताकत है ये, और पीटीआई इकट्ठे होते मामला सारा हल होता उधर ही, लेकिन मौलाना खड़े नहीं हुए, खड़े हुए भी हैं नहीं भी हुए उनका बड़ा। देखें मुझे जमात इस्लामी को देखें आप मिसाल के तौर पर, इन्होंने तरीके साहब के साथ बड़े क्लोज रही,
सारा मामला चलता रहा। अब जब असल टाइम आया जब इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों में जो इनके फॉर्म 45 की जरूरत पड़ी, वो मियां असलम ने इनकार कर दिया। कहता जी मैं नहीं देता फॉर्म, पर क्यों नहीं देता? वो हमजा शहबाज के साथ उसका पोटरी का फॉर्म काम शाह था, तल्लुकात थे, तो वो उस वजह से उसने फॉर्म 45 नहीं दिया। अब जमात इस्लामी की एक सीनियर क़यादत को चाहिए था, उसे पूछते शोकास देखे भाई हमारे एलाइज है ऑलमोस्ट, हम कराची में हमारे इत्तेहाद हुए थे, तो आप दें को फॉर्म पर दें, उन्होंने बात ही नहीं की। तो ये इसी तरह इन लोगों पे, इमरान खान इसी वजह से लोगों पर ट्रस्ट भी नहीं करता। आप देख ले खान ने हमेशा यही कहा है कि मेरे साथ तो शायद पार्टी भी ना हो तो मैं खड़ा रहूँगा, वो तो अपनी पार्टी के लोगों को भी इस मामले, लेकिन इन जमातों को जिस अंदाज में इन्होंने इस तरह की हरकतें माजी में भी की हैं, अदलिया बहाली तहरीक में भी नवाज शरीफ ने यही किया था जिसके बाद इमरान खान उसके नाम पर कांटा मारा था, वरना इमरान खान ने उसके साथ एक दफ़ा कहते ना दो दफ़ा तीन दफ़ा धोखा, उसके बाद इन्होंने इमरान खान के साथ इस तरह की हरकतें की हैं। तो अभी ये जो जमात इस्लामी ने की है और जो फजल रहमान साहब कर रहे हैं, फजल रहमान साहब से तो खैर इतनी उम्मीद है, इनके तो 10-12-11 साल से आपस में मसाइल भी बहुत सारे थे, तो मेरे ख्याल में अब चूंकि इनके इतने ज़्यादा मसाइल थे दोनों के, तो टाइम लगता है उन्हें ठीक होने में भी, तो ये भी मामला है। अभी जो करंट बजट आया पाकिस्तान में, इस बजट में जाहिर है गरीब तो बहुत ही गरीब है ना, वो तो और भी फिस गया, जो मिडिल क्लास तबका है वो भी मतलब अब गरीबों में शामिल हो गया, बल्कि उससे भी नहीं, लेकिन सहाफ़ियों को सेहत कार्ड मिल रहे हैं, लॉयर्स को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बजट में बड़ा इन्होंने रिलीफ दिया है, आपको भी नवाज शरीफ वाला सेहत कार्ड मिला कि नहीं? ना, मैं लानत भेजता हूँ इस कार्ड में, मतलब उनसे क्या तो बस्तफर है, वो अपनी सेहत पहले उनको देखा, मियाँ साहब मुँह उतरता नहीं है उनके। आज वो सलमान इमरान अफजल राजा ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट लिखी हुई थी, उसने कहा मियाँ साहब के मुंह ने एक बीमारी, मुझे नहीं पता ये उसके अल्फाज में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मियाँ साहब को ऐसी बीमारी हो गई है कि इनके मुंह से जो बदबू निकलती है उससे लोगों को उबकाई आती है, उल्टी आती है। oh, really? तो इसीलिए वो हर वक्त मुंह पे, उन्होंने देखा यहाँ नहीं लगाते नकाब ना, यहाँ लगाया होता उन्होंने, तो वो इसीलिए लगाया था कि मुँह से स्मेल से बंदा मरता है, इतनी वो कहते हैं उनको बीमारी ऐसी हुई। फिर आप देखें गर्मियों में उन्होंने मफलर बांधा होता है हर वक्त गले में ना, जून जुलाई की गर्मी में मफलर बांधना, उसमें भी लोगों ने तस्वीरें लगाई थी कि उनकी गर्दन, अल्लाह तो बस, मैं तो नहीं ऐसी कोई उनके ऐसी बात करना चाहता क्योंकि किसी की अजियत को नहीं हो, लेकिन जो भी उनका मामला है वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन उनसे क्या सेहत कार्ड लेना, वो अपने लिए सेहत कराएं, अपने इलाज कराने बड़ी बात है, इसीलिए मैंने आपसे बात की वरना मैंने करनी नहीं थी। अच्छा, लेकिन आप सवाल बजट, हाँ जी बजट, ये सवाल देखें इसमें मेन चीज़ ये है कि बजट पे, बजट में इसको 29 अरब डॉलर पाकिस्तान ने देने हैं इस साल, 29 अरब डॉलर, और ये कर्जे के ऊपर सूद है, उसकी किस्तें देनी है, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे बताएं ना, कोई ऐसा तरीकाकार हो, कोई दुनिया का ऐसा फार्मूला हो कि अचानक आपकी ज़मीन सोना उगलना, जो सोना उगलने वाले रिकॉर्ड है वो आप बेचने के चक्कर में, एयरपोर्ट आपके गिरवी पड़े हैं, मोटरवे आपके गिरवी पड़े हुए, PIA की आप बोलियाँ लगाने के लिए खुशखबरियाँ दे रहे हैं, खुशखबरी हमें PIA के खरीदार मिल गए, बोली को लगाने के लिए, बोली लगाने के लिए कोई आ गया, कोई बोली लगाने को तैयार नहीं है, तो इन हालात में देखें आपके यहाँ पर कह दी हमने महंगाई 48 से 12% कर दी, भाई कैसे कर दी आपने महंगाई? महंगाई कम होती है जब सरमायाकारी आए, आपके मुल्क से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप लिस्ट बना के पिछले 2 साल की देखें, सारी छोड़ छोड़ के चली गई, शेल समेत तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आप लेते रहे, वो सारी एक एक करके चली गई, सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सब बाहर, तो भाई आप फिर कहाँ से पैसे कमा रहे? स्टॉक एक्सचेंज तो 7-8 लोग हैं जो आपस में मिलकर शेयर्स खरीदते बेचते हैं और उनका काम है मसनूई तौर पर, उससे तो आप मुल्क की तरक्की की नहीं असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्टेट बैंक का फिर इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारी चीज़ें, अभी जो मोटी मोटी बातें आम लोग समझे, वो 100 रुपये में आपके ऊपर देखा 38 से 40 रुपए टैक्स लगा दें, 60 रुपए में आपको कहें अपने घर का बजट बनाओ, सैलरी तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगाने का मतलब उनकी तनख्वाह कम कर दी गई, ऊपर से जो बाकी सारे इनके अलले तलले हैं वो उसी तरह चली जा रहे हैं, तो नीचे लोगों को कैसे पूरा, आप लोगों को खींच खींच के दबा दबा के निकाली जाओ, जितना निकलता है निकाली जाओ, हर चीज़ पे सेल्स टैक्स 17% 18% इस पे इस पे, हर चीज़ से आप लगा के उन पे टैक्स पैसे निकाल के महसूलात इकट्ठी करें जो पिछले साल से 40% ज़्यादा करनी है इस दफ़ा, मतलब पिछले साल फर्ज करें अगर आपने 40 रुपए इकट्ठे किए तो इस साल आपको 40% उस पर ऐड करें, तो आप 56 रुपए कहाँ से लोगों से निकालेंगे जब लोगों के पास है ही कोई नहीं है, तो बजट तो निरी तबाही और बर्बादी है, और अभी तो उसके क्योंकि बजट आता है उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं जब लोगों को बिल आना शुरू होते हैं, लोगों को चीज़ें लेकिन आहिस्ता 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 चीज़ों को पता चलता है, तो वो भी वक्त आ जाएगा उसके बाद लोगों को पता चलेगा। आप देख रहे हैं एक और बजट, मिनी बजट करीब, वो तो लाजमी सी बात है, वो तो मिनी बजट एक और आ जाएगा उसमें भी, अब ये इन्होंने बजट सिर्फ उसे IMF को दिखाने के लिए किया, देखिए ये हमारे टैक्स कलेक्शन होंगी, और याद रखें इसहाक डार साहब पे पहले भी नंबरों की हेरा फेरी पे जुर्माने लग चुके हैं, तो इसलिए ये दो नंबरियाँ इस तरह के नंबर घुमाने फिराने ये ना वो सिर्फ IMF को दिखा के पैसे दे दो हमें एक दफ़ा बस पैसे दे दो, आगे उन्होंने अपने सारा माल बना लेना है। सभी भाई एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का और उसके बाद फिर रैपिड फायर की तरफ चलेंगे।
मजाकरात हो रहे हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? आपने बड़ा सीक्रेट बना के किया है इमरान खान क्या क्या कहता है कि कोई डील नहीं करूंगा, कोई मुज़ाकरात है। देखिए मुज़ाकरात जो होते हैं ना, बेसिकली मुज़ाकरात का ये मतलब होता है कि कोई दो पार्टियां आपस में बातचीत कर रही हैं। अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और इमरान खान बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। इमरान खान खुद कह चुके हैं हमारा। अब ये कि उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैगाम भिजवाए जाते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और बीच में कुछ लोग खुद भी अपनी तरफ से भी पैगाम लेके चले जाते हैं और ये दावा करते हैं कि जी वो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, वो ये भी दुरुस्त है, और एस्टेब्लिशमेंट को पता ही ना होगा, ये भी चलता है। लेकिन ये कि अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि वो जो शरायत इमरान खान इनसे मांगना चाहते हैं वो पूरी नहीं कर सकते। इमरान खान चाहते हैं कि मैंडेट वापस मिले। इन्होंने दो साल सर से लेकर पांव तक, आप कहते हैं ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगा के इस हुकूमत को बनाया, नाजायज़ जायज़ गलत कानूनी आइनी हर किस्म का इखलाकी गैर इखलाकी काम करके ये हुकूमत मार्ज वजूद में लेकर आए। अब आपके ख्याल में क्या वो इमरान खान की इस शर्त को फौरन मान जाएंगे कि मैंडेट वापस करो? मैंडेट वापस करने का मतलब ये कि नून लीग, ये किधर जाएंगे नून लीग के? मुझे आप बताएं शहबाज शरीफ कहाँ जाएगा अगर ये मैंडेट वापस करें? अजरदारी का क्या बनेगा? इन लोगों का क्या बनेगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये कहें ये नहीं जी खान साहब आपका मैंडेट वापस? 181 नशस्तें इमरान खान की बनती हैं कौमी असम्बली में, 181, 214 नशस्तें बनती हैं पंजाब में, वो सारी की सारी वापस करें, मरियम नवाज भी फारग, शहबाज शरीफ भी फारग, असदुद्दीन भी फारग, वो तो किधर जाएंगे ये सारे? दुबई, अमरीका, बरतानिया, उनको क्या वो रहना पसंद है? उनको हुकूमत पसंद है, वो तो हुकूमत में रहना पसंद करेंगे जाहिर। तो ये शायद बड़ा मुश्किल है। दूसरा, इमरान खान कहते हैं आइन और कानून की पाबंदी हो। आइन और कानून की पाबंदी हो तो सबसे पहले आर्टिकल 6 लगेगा जिन्होंने इंतखाबात कैंसिल करवाए, मोहसिन नकवी सबसे पहले फंसेगा। अब आप मुझे खुद बताएं ना, एक लॉजिकल बात है, इमरान खान की तो बातें बड़ी सादा सी हैं कि यार ये अब मैंडेट चोरी हुआ है, दे उनका हक है। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो सुने ना जरा उनकी बात भी कि क्या ये मुमकिन है? अब उसका दरमियानी रास्ता क्या बनता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान अगर मैंडेट वापस करने पर को छोड़ सकते हैं, क्या वो लोग छोड़ सकते हैं? नहीं, इसका दरमियानी रास्ता जो मुझे नजर आता है, जो मेरा जाती ख्याल है और उम्मीद है कि हो सकता है कोई इस इंटरव्यू को सुन के पहुंचा दे, इन्हें चाहिए अदालतों पर छोड़ दें दोनों पार्टियों को। इमरान खान ने तो किया, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ठीक है आप बंदे फ्री, हमें कोई इतराज नहीं। और देखिए इमरान खान ने कितना बड़ा रिस्क लिया, सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज बैठा हुआ, लेकिन इमरान खान ने फिर भी अल्लाह तोकल के जान दोस्त काजी फैज को भी आने दो, वो भी लेने इसमें पार्ट बन जाए। और दूसरी तरफ इन्हें भी चाहिए कि अपना सेफ फेस सेविंग और सेफ एग्जिट के लिए अदालतों के छोड़ दें। अभी तो सारे मामला अदालतों के जरिए ना, बल्ला छीना अदालतों के जरिए, खान को सजाएं दी अदालतों के जरिए, तरीके साहब को तुम्हारा बर्बाद किया ये इलेक्शनों में, सारा अदालतों के जरिए हुआ है ना। तो इसी तरह अदालतों पर छोड़ दें कि जो अदालतें करेंगी वो अगर मैंडेट वापस करती हैं, मिसाल के तौर पर अभी जो सबसे बड़ा मामला पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अगर उनके पास ये 7-8 जजेस का पैनल बना के वो ट्रिब्यूनल केसेस सुनना शुरू कर दें फॉर्म 45 के बुनियाद पर। अब फॉर्म 45 की दो नंबरी जितनी वो कर सकते हैं करें, बिल्कुल, लेकिन जहां जहां शिस्तें वापस होनी चाहिए जाने दें उन्हें। और फिर ये एस्टेब्लिशमेंट भी कहेगी तो अदालतों ने किया और नून लीग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले भी तो 3 दफा कुर्तों से गिरे हैं नून लीग, उन्होंने कभी पूरी नहीं की नवाज शरीफ ने, तो ये कौन सी क्यामत आ गई अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत चलेगी तो वैसे बोनस पे तो भाग दिया दोबारा लंदन, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो फिर ये दरमियानी रास्ता बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये लोग चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए, हुकूमत 6 महीने 8 महीने साल 15 महीने चला ले जितनी चला सके, जितना खींच सके खींच ले। तो ये इनका एक मामला है। मुज़ाकरात इस तरह सामने हमने बैठ के नहीं हो रहे और हो भी नहीं सकते, देखे मैंने शरायत इतनी मुश्किल, मतलब डेड लॉक नजर आ रहा है, बिल्कुल डेड लॉक, बहुत बड़ा डेड लॉक है। और ये डेड लॉक टूटने का रास्ता भी जो है वो बायस ही आएगा। सही, बायस ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। सभी भाई आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? क्या करना है इसमें? मैं आपको नाम बोलूंगा, आपने फिर फौरन जो आपके जहन में जो भी आता है वो आपने बात, साफियों के नाम भी होंगे नहीं इसमें? अब मैंने कुछ लिखे हैं आप, अच्छा, तो आपको सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा ठीक है जी, साफियों का नाम ले ले, मैं तो कहता हूँ। चले वो भी मैंने नोट तो नहीं किया, मैं ले लूंगा जी जी। शेर अफसल दलेरा, मुराद सईद स्मार्ट इंटेलिजेंट पर इंटेलिजेंट, उस्मान डार मजबूर, मरियम नवाज टिकटॉक। पहला आपने कहा ना जजीदेन में वो ही आई और अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब मफलर गुड, जरदारी नारसी ठग वाह, शहबाज शरीफ न 3 में न 13, इमरान रियाज खान सहाफी दबंग दबंग, इमरान खान पीटीआई चेयरमैन मुर्शिद, और उसे लोग मुर्शिद, हाँ मुर्शिद
मुर्शिद तो देखे वो लोग कहते हैं ना, मतलब उस तरह मेरे ख्याल में इमरान खान को आज के दौर का ना हकीकत में जो मर्जी कोई मुझे कहे, लेकिन मैं हकीकत में इमरान खान को आज के दौर का बड़ी समझता हूँ। मैं इसके लॉजिकल पॉइंट से ये नहीं देखे लोग यूथिया कहें, इंसाफिया कहें, इमरान खान खान सब चाहे जो दिल में आएंगे, ये मैं जानता हूँ अल्लाह जानता हूँ। मैंने बड़ी रिसर्च की है इमरान खान के ऊपर, सियासत का वली, पाकिस्तानी सियासत का वली, नहीं दीन के हिसाब से, मैं आपको दीन के हिसाब से बताता हूँ। ओके, देखे सबसे पहले देखिए अल्लाह की जात कौन सा ऐसा वर्द है जो पढ़ती है, अल्लाह को किसी की इबादत की जरूरत कोई उसको, वो तो देखे कि बरियाई है ना, मतलब अकड़ है गुरूर है उसे के, वो पढ़ता है दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह को अपने नबी से इतना प्यार है। इमरान खान ने जो सबसे बड़ा मामला किया, और ये देखे ये वो अगर आप दिखलावे के तौर पर भी मोहब्बत करें ना, फर्ज करें आप दिखलावा कर दें, मेरा जिन कहता है कि वो भी अल्लाह उसको मान देगा। इमरान खान ने जो नंगे पाँव मदीना जाना, नामूसे रसालत का काम करना, उसका मुकदमा लड़ना, रहमतुल्लाह आलमीन कमेटियां बनाना, और अभी देखे अभी इमरान रियाज ने जो कुछ दिन पहले बताया कि उस डायरी पे खादमे मदीना लिखा होता था और इमरान खान छुपाता था उसको, मतलब मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसके दिल में बड़ी है। एक तो ये चीज जो है ना ये, और मेरा ये ईमान है कि जिस शख्स के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और इस लेवल की हो, वो बंदा कभी जिंदगी में मार खा ही नहीं सकता, ये हमारा ईमान है। दूसरा आपको बताऊं, इमरान खान ने जो लंगर खाने, और मैंने इसमें प्रोग्राम खुद यकीन किया, लोगों से बात की, लंगर खाने, पनागाहें और कैंसर अस्पताल, ये रिफाई काम किए ना, इन लोग बहुत सारे लोग इससे शफा याब हो चुके, हजारों लाखों की तादाद में इन लोगों की दुआएं लगती हैं। देखिए हम जैसे लोगों को लोग दुआएं देते हैं, मेरे प्रोग्राम में लोगों ने मुझे, आपने भी सुनी होगी, लोगों ने हजारों दफा लाखों दफा कहा मेरी वालदा अपने ताजे से दुआ करती है, मेरी बहन करती है, मां करती, हम जैसे लोगों को, वी आर नोबडीज। तो इमरान खान के लिए तो पूरा पाकिस्तान तहज्जुद में, रमजान में, हज पे दुआएं करता रहता है। अच्छा एक तो ये मामला भी बड़ा है, और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के ऊपर देखें इन्होंने कोई जो जो मजालिम हो रहे हैं जो दुनियावी एतबार से, इमरान खान जेल में अपनी मर्जी से जब चाहे बाहर आ सकता है, और अगर वो नहीं आ रहा बाहर और वो खड़ा है रास्ते पे, और उस रास्ते पे खड़ा होना कितना मुश्किल काम है, ये आप और मैं जानते हैं कि लोग हजारों मील दूर होकर भी बात नहीं कर सकते, और इमरान खान उधर खड़ा है उस रास्ते पे, और उसने कुर्बानी दी सारी एक एक चीज, दुनिया का इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, वो जेल में उतने से कमरे में बैठा हुआ, गर्मी में बैठा हुआ है, अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है उसने, अपने खानदान के ऊपर मुसीबतें, अपनी उसकी बहनें बेचारी देखें कभी इधर कभी उधर, उसकी बीवी कहाँ, उसके मतलब खानदान के लोग कहाँ, उसका घर के कब्र कब्जा, मतलब उसकी कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई आप एक चीज ले उसकी ज़ाती जिंदगी से लेके उसके कारण, मतलब कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी, सब कुछ तमाम बर्बाद कर दिया, लेकिन वो खड़ा है उसने। तो ये ऐसा आम इंसान आप मैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम, जरा से ज्यादा भी किसी हाथ रखते हैं वो देखें पूरी की पूरी पीटीआई लेट जाती, पीटीआई में कितने लोग हैं, कितने रहना, उनको 250-400 लोग तो होंगे, कितने लोग हैं जो इमरान खान के लेवल पे, ये चंद जो आपको नजर आते हैं जिलों में, चंद खवातीन, तो ये हक में खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम। तो इसलिए इमरान खान का तो जो मामला है, और आम इंसान कर नहीं सकता जो काम इमरान खान कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आम इंसान के बस में नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस दौर देखे हर दौर के वली का एक लेवल होता है, इस दौर के वली का लेवल है, बड़ी अच्छी बात। तो ये मेरे ख्याल में है, बाकी आप दिलों के हाल अल्लाह जानते हैं, उसके सामने तो वो है, बाकी जो उसको सही। एक लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट उल्टा सवाल है, उल्टा सवाल नहीं करता, लेकिन इसका मुझे जो मर्जी सवाल देखिए इसका मुझे इंतजार है कि आप क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, रैपिड फायर एस्टैब्लिशमेंट, हार गई है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड सभी भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती थैंक यू आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू